हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने थेवेनिन थ्योरम पूरा देख लिया, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम एक आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड पे बना दिया गया है। तो ये वीडियो के अंदर हम इसे कैसे सॉल्व करना ये पढ़ेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, एग्जाम में ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम देखे रखा है जिसमें 12 वोल्ट का बैटरी है, 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 3 ओम, 2.5 ओम और 5 ओम के रेजिस्टेंस लगाए गए हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, तो हम वो के वही स्टेप फॉलो करने वाले हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि जो रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। तो वो रेजिस्टर को हम क्या बोल देंगे, लोड रेजिस्टेंस आर एल। क्या पूछा है, 5 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 ओम हमारा क्या बन जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, बाद में हम क्या करते थे कि जितने भी वोल्टेज सोर्सेस होते थे उनको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स बना दिया, ये इसको हम बोलते थे VTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, बाद में हम क्या करते थे, बाद में जितने भी रेजिस्टेंस थे वो सारे रेजिस्टेंस को हम क्या करते थे, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे। तो ये हो गया हमारा RTH, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस। और हमें यह भी पता है कि थेवेनिन वोल्टेज सोर्स और थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए, तो यहाँ पे सीरीज में भी कनेक्ट कर दिया है। और बाद में बचा क्या हमारा, बचा हमारा ये लोड रेजिस्टेंस, तो ये हमारा RL हो गया, ये हमारा 5 ओम आ गया। अगर एग्जाम में आपको पूछते हैं कि फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू 2.5 ओम रेजिस्टेंस, तो ये 2.5 ओम रेजिस्टेंस है, इसको हम आरएल बोल देंगे। अगर 3 ओम में से कितना करंट पास हो रहा है ऐसा पूछ दिया एग्जाम में, तो हम ये 3 ओम को आरएल बोल देंगे। यहाँ 5 ओम में से पूछा है कितना करंट पास होगा, तो इसलिए हमने 5 ओम को आरएल बोल दिया है। यानी कि बच्चों, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये पूरा ये डॉटेड लाइन से जो मैंने बता दिया आपको, ये पूरा कॉम्प्लेक्स सर्किट हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, अब हमें क्या ढूंढना है, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, आई का वैल्यू ढूंढना है, 5 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू ढूंढना है। तो हम सीधे सीधे केवीएल केसीएल तो अब बहुत लेंदी हो जाएगा, तो सिंपल हम ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, वी इज इक्वल्स टू आई आर है, हमको आई का वैल्यू चाहिए, सो आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर बन जाएगा। सो आई इज इक्वल्स टू वी क्या है, यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है, डिवाइडेड बाई आर। अब R, 2R यहाँ पे है, तो हम कौन सा R लेंगे, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे दोनों का, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है ये चेक करना पड़ेगा। तो ये RTH और RL किस में है, सीरीज में है। क्यों, क्योंकि VTH में से जो भी करंट निकला आई, वही करंट RTH में से पास होगा और वही करंट RL में से पास होगा। यानी कि जब सेम करंट पास होता है हर रेजिस्टेंस में से, तब हर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए जाते, तब हर रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं कि सीरीज कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन का क्या फॉर्मूला था, आर वन प्लस आर टू, तो यहाँ पे आर टी एच प्लस आर एल ले लेंगे, सो आर टी एच प्लस आर एल। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, जिससे के करके हम आई का वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आर एल में से पास हो रहा है, जो कि 5 ओम में से पास हो रहा है। ठीक है, आर एल तो देखे रखा है 5 ओम, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी टी एच और आर टी एच। तो वही हम स्टेप्स फॉलो करने जा रहे हैं। यहां पे पहला स्टेप क्या लिखते थे, फाइंड क्या, VTH। अच्छा, VTH फाइंड करने के लिए हमें क्या याद रखना था, मैंने आपको बताया था हमें करंट का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले। तो वो कब फाइंड कर सकेंगे, जब ये RL है उसको हम निकाल देंगे, यानी कि ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, ओपन सर्किट, कैसे, बाय रिमूविंग क्या, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, वही स्टेप फॉलो करने जो पढ़ के आए हैं। तो ये सर्किट डायग्राम जो एग्जाम में दिया है वही बनाएंगे वापस से। तो इसमें एक तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, बाद में यहाँ पे लगाया है 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, बाद में यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस भी है, और ये हमको दी गई है 12 वोल्ट की बैटरी,
नीचे की साइड कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, और बाद में ये जो है लोड रेजिस्टेंस इसको हम रिमूव कर देंगे, यानी कि ये लोड रेजिस्टेंस आ गया इधर, ये कितना RL बराबर 5 ओम, इसको हमने रिमूव कर दिया और ये क्या बन गया अपना ओपन सर्किट बन गया। और ये ओपन सर्किट यानी टर्मिनल ए और बी के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ये बच्चों हमारा होगा थर्मिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है। तो VTH का वैल्यू हमें अभी फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो ये सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा आई उसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, वही ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल सॉरी तो I इज इक्वल्स टू वॉट, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V देके रखा है, हाँ देके रखा है 12, R देके रखा है, यहाँ पे R कितने R है 1, 2, 3। अब ये वाला R तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से जो करंट निकला I वो करंट ये पॉइंट के बाद आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ओपन सर्किट है। तो ये करंट 3 ओम में से जाएगा और लौट के वापस 12 वोल्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है 1, 2, 3। अब ये तीन रेजिस्टेंस जो है उनका इक्विवेलेंट लिखना है, तो पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल में है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो यहां से जो करंट 1 ओम में से गया वही 2 ओम में से जाएगा और यहां आगे जाएगा, नहीं तो वही सेम करंट 3 ओम में जाएगा, यानी कि सभी रेजिस्टेंस में से सेम करंट फ्लो होगा, यानी कि सभी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं तब इक्वल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बस वही करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 5 एक 6, तो 6 टू 12, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर का करंट, ठीक है। हमें तो क्या ढूंढना है, VTH ढूंढना है, तो वही ओम्स लॉ यूज करो, VTH इज इक्वल टू V बराबर IR, आपको मालूम है I का वैल्यू तो ढूंढ लिया 2 एम्पियर इनटू, अब R का वैल्यू कौन सा लिखेंगे, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे हम, तो हमको पता है कि ये जो दो पॉइंट है सपोज C और D, ये दो पॉइंट के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का होगा, तो वही VTH बन जाएगा। यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 3 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारा VTH बन जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, इसलिए हम R का वैल्यू क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है। तो VTH का वैल्यू कितना आ जाएगा, VTH 2 3 6 वोल्ट आ जाएगा, तो VTH तो हमको मिल गया, तो यहाँ पे VTH का वैल्यू आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, RTH का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लू क्या, फाइंड RTH। अब आपको मालूम है RTH फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, हम ये बैटरी को रिमूव करते थे और शॉर्ट सर्किट करते थे, तो यहाँ पे मैं लिख लू शॉर्ट सर्किट बाय रिमूविंग बैटरी, कितने वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अच्छा तो यही डायग्राम हम वापस कैसे बना पाएंगे, ये हो गया हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस, आगे बढ़े 2.5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये टर्मिनल ए, यहां पे आएगा 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये ऐसे चला जाएगा, बैटरी निकल गई, नीचे की साइड कुछ नहीं है तो जाने दो ऐसे ही, यहाँ पे बीच में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे हमने RL को सेपरेट कर दिया है VTH की वैल्यू फाइंड करने के लिए, जो कि है 5 ओम का, जिसमें से कितना करंट फ्लो होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। अब हमें क्या ढूंढना है, RTH, RTH यानी क्या बच्चों, हमने ढूंढना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये पूरे सर्किट का, तो RTH बराबर क्या हो जाएगा, तो हम, और दूसरा भी मैंने बताया था कि सेकंड स्टेप में जब आप तो इसको शॉर्ट सर्किट करो तब कहां से देखना है आपको, यहां से देखना है, यानी करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहां से फ्लो हुआ करंट, ये पॉइंट पे से करंट डिवाइड हो गया, यहां पे कुछ करंट आया लेकिन वो का वही करंट यहां से गया, यानी कि 2 ओम और 1 ओम में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, यानी 2 और 1 किसमें कनेक्ट किए गए हैं, 2 और 1 सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, 2 प्लस 1 यानी 3, यानी मैं ये सर्किट डायग्राम कहां बना पाऊंगा, ठीक है यहां ही कर देते हैं, 2 प्लस 1 3,
तो ये मैं पूरा रब कर देता हूं, 2+1=3, ये यहां पे कनेक्ट कर दिया, ये 3 ओम का यहां पे कनेक्ट कर दिया। अब ये 3 ओम और ये 3 ओम किसमें है, ये 3 ओम और 3 ओम सीरीज पैरेलल में है। अब पैरेलल का फॉर्मूला क्या था आपको पता हो तो, ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे एडिशन, ठीक है। तो कितना था, 3 3 9, 3+3=6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 6, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3/2 यानी 1.5 आ जाएगा। यानी कि अब ये दोनों की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 1.5 ओम का रेजिस्टेंस, तो ये भी मैंने पूरा साफ कर लिया। और इसकी जगह पे मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इसकी जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं 1.5 ओम का रेजिस्टेंस। अच्छा, वापस देखते हैं, यहां से करंट आया, ये सेम करंट 1.5 में से गया, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। और सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, R1+R2। तो मैं लिख लू 2.5+1.5, सो 3, 4। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो कितना हो जाएगा, 4 ओम्स का। तो यहां पे लिख लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो मेरा हो गया 4 ओम्स का। तो हमने बच्चों RTH का भी वैल्यू फाइंड कर दिया। तो ये सारी वैल्यू ये इक्वेशन में हम रख देंगे, तो VTH का कितना था, 6 था, डिवाइडेड बाय RTH कितना लाए सर्किट सॉल्व करके, 4, प्लस कितना करना है RL यानी वो रेजिस्टेंस जिसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है। तो हमें 5 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो ढूंढना है, वो लोड रेजिस्टेंस है। तो RL बराबर 5 रख देंगे, तो ये 6/9 हो जाएगा। तो ये 3 3 9 और 3 2 6 यानी 3/2 आ जाएगा। तो I का वैल्यू कितना आएगा, 3 पॉइंट रखना पड़ेगा, 3 6 18 यानी 0.66 एम्पियर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि 5 ओम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 ओम में से फ्लो हो रहा है 0.66 एम्पियर करंट। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सारी बातें थी थेवेनिन्स थ्योरम की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन KVL एंड KCL। तो वीडियो को करता हूं यहां ही समाप्त। तो तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।